और आज अपन बाल कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद एक बार ध्यान देना, अपने एक और साइड में बाल जा रहे हैं, बालों की एक डायरेक्शन यहाँ से जा रहा है, तो अपन वो और ड्रॉ करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से नीचे कर्व होते हुए तो यहाँ से निकल जाए, यहाँ पे भी इस तरीके से कर्व होते हुए यहाँ निकल जाए बाल, ठीक है। ये हल्का हल्का ड्रॉ करते रहो, एंड में काम आएगा, ठीक है। तो अब अपन इसे ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे सारे बाल, जिस डायरेक्शन में अपन ने शेड किया था उसी डायरेक्शन में ब्रश से ब्लेंड कर लो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ब्लेंड कर लो। इतना ब्लेंड हो जाने के बाद अपन 6B पेंसिल लेंगे, और जिस तरीके से अपन ने स्ट्रोक्स करे थे पहले, बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ यहाँ थोड़ा हल्का हल्का चलाना पेंसिल, क्योंकि यहाँ अपन को मोनोसीरो इरेजर से इरेज करने हैं, तो एक बार में अपन आसानी से इरेज हो जाए, इसलिए अपन हथौड़े इस एरिया में हल्के हल्के चलाएंगे, बाकी जगह डार्क जैसे नॉर्मली अपन ने फर्स्ट लेयर करी थी वैसे करते जाओ, ठीक है। साथ साथ करते जाओ, ठीक है, सेम तरीके से करना है। लेफ्ट साइड तो पूरा डार्क है, यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट कर दो, सेम फर्स्ट लेयर की तरह करना, साथ साथ करते जाओ। बहुत मैं ये नहीं बोल रहा, प्रेशर के साथ करो, आराम आराम से करो, ठीक है, अपने पास अभी 10B की लेयर भी है, इसलिए आराम आराम से। अब जैसे यहाँ यहाँ बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप्स हैं, दिख रहे हैं ना ये अपन को रेफरेंस में, या हाईलाइट दिख रहा है, तो वो हाईलाइट हल्के हल्के थोड़े थोड़े छोड़ते जाना, बहुत ज्यादा नहीं छोड़ने की जरूरत, हल्का हल्का नॉर्मली जो गैप्स गैप आते हैं ना अपने स्ट्रोक्स के बीच में वो भी चलेंगे, कि बाकी बाद में अपन को मोनो जीरो इरेजर से करनी ही है, लेकिन बाद में अपन को आसानी रहे, इसलिए अभी थोड़े थोड़े एक आध दो छोड़ दो, यही नहीं बोल रहा कि एकदम कॉन्स्टेंट सब में छोड़ दो, एक आध दो छोड़ ही दो, करो इतना धीरे धीरे करते जाओ, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करो। तो इतना करने के बाद अपन ने जो हल्के हल्के बाल इधर उधर भाग रहे हैं वो बनाने, जैसे कान के नीचे ये जॉ लाइन के पीछे जा रही है, बहुत डार्क नहीं है, 10B से नहीं बने, ये हल्का है तो इसमें थोड़ा 10B आएगा, यहाँ यहाँ ईयर्स के नीचे देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें भी 6B आएगा, तो पहले तो ये जॉ लाइन जो है अपनी इसकी आउटलाइन बने, ईयर की आउटलाइन बने, यहाँ से ऊपर की तरफ कर्व ले गए, यहाँ से नीचे की तरफ कर्व लाए, ठीक है। अब जो बाल यहाँ की तरफ दिख रहे हैं, जैसे ये बाहर निकलते हुए बाल दिख रहे हैं अपन को, अपन ने हल्के हल्के देखो 6B को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ यूज नहीं करना है, नॉर्मली अपन जैसे पेंसिल यूज कर रहे हैं वैसे करो, ये नहीं कि डार्क पेंसिल है तो उसे और डार्क चलाना है, ठीक है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा निकल रहे बाल एक आध वैसे देखो बना, ये ऐसे नहीं करना कि एक एक बना के लिए, ऐसे आए ये नीचे की तरफ आ गए, ये बाहर की तरफ, लेकिन बस पेंसिल शार्प होनी चाहिए, ये बाहर की तरफ बिखरे थोड़े, सेम चीज यहाँ पे आएगी, बाल यहाँ से निकल के ऐसे आ रहे हैं नीचे, ओके। इस तरीके से देख सकते हो, थोड़े रैंडम से बाल बना दिए मैंने यहाँ पे, वो बनाने अब क्या करना है, ये जो ऊपर की तरफ से आ रहे हैं तो बाल कहाँ से निकल रहे, बाल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, हाथ के नीचे पेपर रखे रहना वरना यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ये बाल आए उनका शेप क्या है, यहाँ पे आए बेयरली अपने आईब्राउ को टच करा, तो यहाँ ईयर के साइड मुड़े,
ओके, इस तरीके से देख सकते हो, थोड़े रैंडम से बाल बना दिए मैंने यहाँ पे, वो बनाने। अब क्या करना है, ये जो ऊपर की तरफ से आ रहे हैं पेड़ में, बाल कहाँ से निकल रहे हैं, बाल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, हाथ के नीचे पेपर रखे रहना, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ये बाल आए, उनका शेप क्या है, यहाँ पे आए, बेयरली अपने आईब्राउ को टच करा, तो यहाँ ईयर की साइड हो रहे, यहाँ से ऐसे बाहर की, ये है अपना शेप। तो इसको सबसे अच्छा तरीका होता है, ऐसे घुमाओ थोड़ा, धीरे से ये शेप ले गए, और ऐसे इनके बीच में थोड़ा गैप रखो इस तरीके से। ओके, तो ये जो है, इसको अपन ने देखा थोड़े डार्क है, थोड़े लाइट है, तो ऐसे जो डार्क है उन्हें 6B से बना लिया, थोड़े 10B से बनेंगे, जो लाइट है वो मैकेनिकल पेंसिल से आए इस तरीके से अपने, और ये यहाँ मुड़ गए, ठीक है, मैकेनिकल पेंसिल वाले इस तरीके से अपने किया है। तो अपना इस तरीके से ये जो थोड़े थोड़े निकल रहे हैं ईयर्स के साइड से, नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, तो मैकेनिकल पेंसिल की टिप बहुत आगे मत करना, इसे डार्क बनाना है अगर तो, ओके, बहुत टिप आगे नहीं करना, यहाँ से ऐसे थोड़े यहाँ से नीचे की तरफ बिखरते हुए आएंगे, 6B लो पेंसिल वापस अपनी, यहाँ से जो ईयर्स की तरफ आ रहे हैं ऐसे निकल रहे, दो चार स्ट्रैंड यहाँ निकले, ठीक है, फिर जो बड़े बड़े यहाँ पीछे की तरफ निकल रहे, अपने थोड़े बिखरे हुए से बाल है ना, देखो बिखरे हुए बाल बना तो रहे हैं, लेकिन बिखरे हुए बाल एकदम नीटनेस से बनने चाहिए, गलती क्या करोगे, इन्हें गंदा बना दो, बाल ये वाले गंदे बनते हैं, ये देखो कितने सही आ रहे हैं बिखरे हुए से बाल, तो ऐसा नहीं कि सब मोटे मोटे रहेंगे, नहीं, डायरेक्शन एक ये समझो कि यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ कर्व हुआ, ओके, और यहाँ की तरफ उड़ गए। इसके बाद अपन को क्या करना, ये जो है इससे 6B को ब्लेंड कर लो, फेस पे नहीं आनी चाहिए 6B पेंसिल, कुछ भी शेड जो है वो सिक्स फेस पे नहीं आना चाहिए, फेस अपन कर चुके हैं, अपन फेस को टच नहीं करेंगे, अपना ये ब्लेंड हो जाए बस। ये हल्का हल्का जो चेहरे पे आ रहे हैं, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो ईयर्स पे आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे है, इधर पे है, ये बाल का हल्का हल्का ब्रश चलाओ, और ये अपनी सेकेंड लेयर भी ब्लेंड हो जाए, तो इतना कर लो पहले। अपन को अब थोड़े हल्के हाइलाइट्स अभी देने हैं, ताकि बाद में अपन को आसान रहे, तो अपने हाइलाइट्स लेफ्ट साइड नहीं है, ठीक है, अपने हाइलाइट्स यहाँ तक आके खत्म हो जाते हैं, कहाँ पे, यहाँ से मोनो जीरो इरेजर लो अपनी, यहाँ से ऐसे बीच में दो चार इधर पे कर्व, और यहाँ पे कर्व इरेज करे, ठीक है, अब यहाँ पे बीच में करे, ऊपर से नीचे करे, थोड़े थोड़े बीच में करे, थोड़े ऊपर से नीचे करे, बस यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ये जो दिख रहा ना एक स्ट्रिप सी आ रही है यहाँ इतने से, तो इतना है अपन को इरेज करना है, थोड़ा ऐसे कर्व में रखना है, स्ट्रेट लाइन नहीं करना कोई, और एकदम स्टार्टिंग में कोई नहीं करेगा, एंड में करना है सबको, जैसे ये आया इसके बीच बीच में आएगा, या इसके बीच में कर्व शेप में रखना, या इसके बीच में थोड़े रेस करें, यहाँ यहाँ थोड़े करें कर्व, इस तरीके से जो हाइलाइट्स हल्के फुल्के बन गए ना अपने, एक आध यहाँ पे मिला सकते हो, बस इतना हाइलाइट्स बना लो। इसके बाद अपन को 10B कर, तो इधर ध्यान दो, अपन 10B की लेयर दे रहे हैं, 10B पेंसिल ली अपन ने, अब अपनी ये 10B की लेयर भी वैसी होगी, बस एक बार ध्यान रखना, ये जो अपने हाइलाइट्स दिए इन पे ना आए, मैं बताता हूँ कैसे, अभी ये यहाँ से देखिए यहाँ का ये जो एरिया है वो तो नॉर्मली जैसे करते हुए आए हैं, जैसे करो हाथ के नीचे पेपर रख लेना, यहाँ से नॉर्मली करते हुए आओ, या पहले मुझे देख लो, यहाँ वाले एरिया में पहले मुझे देख लेना, यहाँ पे साथ साथ में करते हुए आओ, और यहाँ पे बीच में मत छूना, ठीक है, यहाँ पे एकदम शार्प पेंसिल के साथ शार्प स्ट्रोक्स आने चाहिए, और एक बार ध्यान रखना आईब्रो और हेयर्स अपने दोनों डेप्थ एक जैसी होनी चाहिए, पता चल एक जैसी होनी चाहिए, पता चला ये लाइट हो गई, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गई, ये लाइट हो गई, ये डार्क, ये लाइट, अलग अलग कर, दोनों एक जैसे होने चाहिए,
जो हेयर स्ट्रिप आ रहा है ना, मैं इसके आसपास कर रहा हूँ, इसमें नहीं कर रहा क्योंकि वरना फिर अजीब आएगा। अब देखो जैसे यहाँ ये मैंने इरेज किया था, तो मैं ऐसे ऐसे पूरा ऐसे खाली नहीं छोड़ूंगा, आसपास इसके करूंगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये थोड़े डार्क थे, ये थोड़े लाइट है, इस तरीके से करा, यहाँ थोड़ा इरेज किया था मैंने। अब एक बात ध्यान रखना, इस स्ट्रिप जो अलग से एक हेयर स्ट्रेंज आ रहा है उससे पहले ही ख़त्म करना है मुझे, तो यहाँ से लेके ऐसे आएगा, पेंसिल शार्प होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये हाईलाइट है, उसके अराउंड बहुत ज़्यादा अपन को नहीं छोड़ने हैं मोटे मोटे एरिए, पतले पतले छोटे छोटे चलेंगे, क्योंकि बाद में अपन अभी छोड़ के चलोगे तो मोनो जीरो इरेजर से दोबारा इन्हें हाईलाइट देना आसान रहता है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे कर्व करते करते नीचे की तरफ लाते जाएंगे अपन। ओके, इस तरीके से अपन ने बालों को शेड कर लिया। अब बस सिंपली क्या करना, देखो अपन ने जो दो लेयर थी वो आराम आराम से ब्लेंड करी, इसमें अपन को अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्लेंडिंग अपन धीरे धीरे, चेहरे पे नहीं आना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, चेहरे पे नहीं आनी चाहिए अपनी कोई ब्लेंडिंग वाला पार्ट, ग्रेफाइट नहीं आना चाहिए। इसे धीरे धीरे आराम आराम से ब्लेंड करते जाओ, जितना डार्क हो सकता है उतना डार्क करो। डिफरेंस देख सकते हो, ये ब्लेंड हो चुका है, ठीक है, ये ब्लेंड नहीं हुआ, तो पहले बाहर वाले कर लो, मेरे जो हेयर स्ट्रैंड आ रहा बाद में कर, ठीक है, ये हुआ। अब हेयर स्ट्रैंड करते हैं, ये जस्ट फ्लो में आ रहा है,
घंटों में ब्रश चलाते जाओ। ठीक है, ये जो अब अपने हैं इन्हें नॉर्मली करो ब्लेंड। अपने हाईलाइट है उन्हें फिल करने का ऐसे मत समझो कि हाईलाइट से बचाना है, अपन हाईलाइट्स दोबारा दे देंगे, अपन का ग्रेफाइट बस अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाना चाहिए। हाथ पे नहीं हलाना, बहुत आराम आराम से करो, ठीक है। मेरी स्पीड मैच करने की कोशिश नहीं करो, अपनी स्पीड से करो। और जल्दी कर सकते हो, बहुत बढ़िया, आराम से कर सकते हो, आराम से। हाईलाइट फिल होने का डर नहीं आना चाहिए, हाईलाइट्स दोबारा दिए जा सकते हैं। एक बार अपन को उसकी लोकेशन पता है, अपन को पता है कि अपन को हाईलाइट्स कहाँ देंगे, ठीक है। ये आ रहा, नीचे वाला भी अपन ने ब्लेंड किया। जहां जहां अपन ने टेंडिंग करी टेंडिंग, अब बस एक चीज बचती है, हाईलाइट जहां दिए थे अपन ने, वैसे बहुत ज्यादा एरियाज नहीं करना, हल्का हल्का उन्हें एरियाज करना। बहुत ज्यादा करोगे तो वो एकदम ही शाइन मारेंगे, तो अपन को नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी रेफरेंस में भी एकदम बहुत शाइन नहीं मारे। आराम आराम से अपन करेंगे, जो अपना हेयर स्टैंड आ रहा उस पर भी अपन देखो। जब एकदम 10B पे करते हैं तो अपन को एकदम प्रेशर के साथ करना पड़ता है, जैसे मेरी देखो इस पर चिपक गया। अब मैं क्या करूँगा, कटर लिया, कटर लेके ऐसे काट, एक जो शार्प शेप बना है और शार्प शेप से थोड़े प्रेशर के साथ इरेज कर, ठीक है, शार्प शेप से प्रेशर के साथ इरेज कर, ओके। इस तरीके से ये देखो अपना स्केच जो है, हेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आईज में सब बस एक चीज बचती है, वो है अपना सिग्नेचर, ठीक है। तो ये अपना स्केच कंप्लीट हो जाता है। भाई मैं कह रहा अभी इयररिंग्स बचे, जरा रुको, जरा अपन इयररिंग्स कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इयररिंग्स अपन बनाएंगे, उन पर अपन व्हाइट जेल पेन से डॉट्स देंगे ताकि थोड़े डायमंड और शाइन दिखे, ओके। तो अपन ने बस इयररिंग्स बनाने के लिए क्या किया, इयररिंग्स बनाने के लिए अपन ने पहले नॉर्मली ओवल ओवल करा इसे, ठीक है, नॉर्मल अपनी मैकेनिकल पेंसिल से दोनों साइड, उसके नीचे एक और ओवल बनाया, फिर व्हाइट जेल पेन से बस अपन ने सिंपली ऐसे डॉट 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 रख दी। तो अपन ने इस तरीके से अपना स्केच कंप्लीट कर लिया, ठीक है।